गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सबको भाई दूज की बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी सुबह के 4 ही बजे हैं, तो अभी तो सब सोए हुए हैं, बाहर भी बहुत अंधेरा है, आप सबने देखा। और अभी मैं थोड़ी देर घूमूंगी और घर में ही घूम लूँगी क्योंकि काफ़ी बड़ा घर है, और उसके बाद नहाऊंगी और पूजा करूंगी क्योंकि कार्तिक नहा रही हूँ। पहले तो क्या था कि अलार्म लगाना पड़ता था, लेकिन अब अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप से आँख खुल जाती है। और अगर लगेगा यहाँ कि आवाज़ आपको ठीक से नहीं आ रही है, तो मैं क्या करूँगी, वॉइस ओवर ही दे दूँगी यहाँ भी। तो कुछ स्पेशल बनाएंगे आज के दिन को, तो चलिए जल्दी से अब अपने काम को ख़त्म कर लेते हैं, फिर जल्दी जल्दी से कुछ स्पेशल बनाते हैं। दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जिससे पहले ही सारी साफ़ सफाई डेकोरेशन का काम मैं ख़त्म कर देती हूँ। मैं क्या, सभी लोग ख़त्म कर देते हैं, तो उसके बाद ऐसा कोई काम नहीं रह जाता साफ़ सफाई का। लेकिन बच्चे तो बार बार फैला देते हैं, तो चीज़ों को ठीक करने का काम तो ये डेली का ही होता है। तो आज भी मैं सुबह उठी और पूजा वूजा के बाद मैंने घर को झाड़ू पोछा किया, उसके बाद जो कुछ चीज़ें मुझे ठीक करनी थी घर में वो की, और उसके बाद देखिए जो सबसे ज़रूरी काम था वो था किचन संभालना। हालांकि आज आपके साथ कोई रेसिपी मैंने शेयर नहीं करी है, लेकिन आज मैंने मखाना मटर पनीर बनाया था और छोले बनाए थे और चावल बनाए थे, पूड़ी बनाई थी, रायता बनाया था। क्योंकि देखिए जब कोई फंक्शन होता है यानी फेस्टिवल होता है, उसका ब्लॉग ऑलरेडी इतना लंबा हो जाता है, उसमें रेसिपी को शेयर करके मैं आपको बोर नहीं करना चाहती थी। तो मैंने आज यही डिसाइड किया कि आज आपके साथ कोई रेसिपी मैं शेयर नहीं करूँगी, और मैंने यही सोचा था कि आज का जो खाना है वो मैं बेहद डिलीशियस बनाऊँगी, क्योंकि आज का जो खाना था वो मेरे भाई के लिए था। हालांकि वो खाना खा के आया था, क्योंकि बुआ के यहाँ उसने ऑलरेडी खाना खा लिया था, तो खाना तो उसने नहीं खाया। सागर भी अब आ गया है और अब हम हो गए हैं तिलक के लिए रेडी, और मैं रेडी हो गई हूँ। अभी छोटी बाकी है, यानी वो रेडी हो रही है अभी, और जब रेडी हो जाएंगे उसके बाद ही कुछ खाएंगे पिएंगे। भाई दूज में, रक्षाबंधन में और दशहरा पे भी जब तक हम नौरते जो कानों पे रखते हैं वो नहीं रखते हैं, तब तक हम कुछ नहीं खाते पीते। हालांकि वो खा के आया है घर से 4 सैंडविच उसने अभी बताया। खैर, ये भाइयों की अपनी बात होती है, बहनों की अपनी होती है। तो हम रेडी हैं और अब सब मिलके तिलक करेंगे और भाई दूज को सेलिब्रेट करेंगे, और सब इकट्ठे हुए हैं। आज कोमल भी जाएगी, तो देखिए ये एक ऐसा दिन है जहाँ आज थोड़ा दुख भी है और खुशी भी है। खुशी इस बात की है क्योंकि आज भाई दूज है, और थोड़ा सा दुख इस बात का है क्योंकि सिर्फ 4 ही दिन की छुट्टी पॉसिबल हो पाई थी और आज बच्चे चले जाएंगे। तो लेकिन क्या करें, नौकरी भी करनी है, तो वो ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर देश की सेवा करनी है तो देखिए जाना भी ज़रूरी है। तो बच्चे त्यौहार पे घर आ गए थे, उतना ही बहुत बड़ी बात है। तो अब तैयारी में जुट जाएंगे, पहले भाई दूज को सेलिब्रेट करेंगे और उसके बाद उनके जाने की तैयारी करेंगे। सागर
मगर से तो ऑलरेडी आप मिल ही चुके हैं मुझसे, वो उम्र में इतना छोटा है कि मुझे वो अपने बच्चे जैसा फील होता है। जब मैं 10th में थी और जब वो हुआ था, हम चार बहनों में सबसे छोटा भाई है हमारा। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि छोटा है तभी हम प्यार करते हैं, देखिए अपने भाई बहनों से सभी को प्यार होता है। और जो त्यौहार है, त्यौहार का असली जो मज़ा होता है वो होता है अपनों के साथ। अपने अगर साथ खड़े हो जाते हैं तो जो त्यौहारों की खुशी है वो दुगनी हो जाती है। और मेरा अपना ये मानना है कि गिफ्ट का कोई मोल नहीं होता। ये ज़रूरी नहीं कि आप तोहफे में एक दूसरे को क्या दे रहे हो और वो कितना कीमती है, कितने पैसों का है। आप समय पर आ जाते हो, समय पर खड़े हो जाते हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। और मुझे ऐसा लगता है शायद इन्हीं रिश्तों से ही त्यौहार चल रहे हैं। और धीरे धीरे वो टाइम भी आ गया जब बच्चों के जाने की बारी आ गई, तो उनके लिए भी एक जाते हुए मैं उन्हें तिलक करती हूँ ताकि उनकी जो यात्रा है वो मंगलमय रहे। और तकलीफ होती है इस टाइम पर बच्चे जब जाते हैं। ठीक से जाना, अच्छे से जाना, ओके बच्चा, बहुत अच्छे से जाना, ओके, गुड लक, गॉड ब्लेस। कोई नहीं। तुम जा रहे हो मुझे छोड़ के? आपको भी लेकर चलेंगे। पर तुम तो अकेले के लिए जा रहे हो। मैं आप भी लेकर चलेगा। मेरे कपड़े भी नहीं रखे तुमने हा? ना मैंने कुछ पैकिंग करी है, मैं कैसे जाऊँ तुम्हारे साथ? मैम बाय बोलने आई थी बिन्नू को। मैंने कहा था मैं भी चलूंगी, हैं? मैं भी साथ चलूं, बिन्नू के साथ चलूं, बिन्नू के साथ। यहाँ पे माटू दीदी के पास फोन रहेगा फिर? हाँ, माटू दीदी के पास फोन रहेगा। बड़ी माँ तो फिर जब बड़ी माँ हमारे साथ आ जाएगी फिर माटू दीदी अकेली रह जाएगी। मैं भैया को लेके आऊँगी, है ना? नहीं आएंगे। आएंगे कल, कल सुबह, कल सुबह आ जाएंगे। अभी आना था इसको, बिन्नू को तो अभी आना था। तो बच्चों को छोड़ के आ गए हैं, उन्हें बिठा दिया है ट्रेन में। हालांकि आज मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि पहली बार मैं बच्चों को छोड़ने आई थी ऐसे ट्रेन में, क्योंकि हर बार घर से ही बाय बोल देती थी। वो ज़्यादा आसान था, रोना धोना तो वहाँ भी होता था। आज बच्चों को बड़ी मुश्किल से चुप कराया, ये बोला कि मैं बैठी हूँ दूसरी ट्रेन में। बच्चे बहुत रो रहे थे कि बड़ी माँ आप भी साथ चलो, आप भी साथ चलो। लेकिन यही नियति है, देखिए अपना अपना काम तो करना ही पड़ेगा, अपनी जॉब दोनों को करनी है, भैया को भी करनी है, हमें भी करनी है। और फिर जल्दी मुलाकात होगी एक दूसरे से। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक दूसरे को विदा करना पड़ता है।
तो दोस्तों यही था आज का मेरा एक खूबसूरत सा दिन जो हमने एक दूसरे के साथ बिताया और आपके साथ शेयर किया। अगर मेरा ब्लॉग किसी भी रीज़न से आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो दोस्त आज पहली बार चैनल पर आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ब्लॉग में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। बहुत जल्दी मुलाकात होगी एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।